चंबल जनपद के चंदोसी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस के गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत होने पर कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की मांग की है। सरकार से पीड़ित परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी और आवास की भी मांग की गई है। चंदोसी में कैंडल मार्च के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस की युक्ति के साथ गैंगरेप के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार न करने पर व्यापक प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। जनपद संबल से सरफराज अंसारी की ये रिपोर्ट। हाथरस जनपद के चंदपा थाने के फुलगड़ी गांव का मामला है। 14 तारीख को वहाँ कुछ ठाकुर समाज के लड़कों ने एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसको इतना मारा पीटा गया कि उसकी गर्दन की कमर कैसे टूट गई। लास्ट में वो अपना कहीं कोर्ट में बयान ना दे सके, उसकी जीभ तक काट दी गई। और इतनी बड़ी लापरवाही इसमें प्रशासन उन्होंने इतनी बड़ी गैंगरेप की घटना को केवल एक छेड़छाड़ की घटना दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के वाल्मीकि संगठन के साथ साथ हमारे जितने भी संविधान के संगठन हैं, सब लोगों ने अंजलि ठोकर के मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। 18 तारीख में जाकर के मनीषा के साथ गैंगरेप पर मुकदमा दर्ज हुआ और 14 दिन की जिंदगी और मौत की लड़ाई करने के बाद रात 3 बजे मनीषा की मृत्यु हुई। आज चंदोसी जनपद संभल के हमारे तमाम वाल्मीकि समाज के साथ साथ हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग हमारे साथ इकट्ठा होकर के मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और आज आप लोगों के माध्यम से हम ये मांग करते हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो जो 4 आरोपी हैं हम उनको फांसी की मांग करते हैं। और उस पीड़ित परिवार के लिए हम ये मांग करते हैं कि 5 करोड़ प्रदेश सरकार की ओर से और परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और सरकारी आवास मुहैया कराया जाए। तब कहीं हम जा करके ये वाल्मीकि समाज चैन से बैठेगा और जब तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा वाल्मीकि समाज के साथ साथ तमाम जितने भी सड़क के संगठन हैं हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे जब तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। 18 तारीख को जो एक वाल्मीकि समाज की लड़की का हाथरस जो कि चंपा थाना ग्राम जो है फुलवाड़ी में एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसे जान से मारने की कोशिश की गई और पुलिस ने इस बलात्कार जैसी घटना को तोड़ मरोड़ कर मारपीट की घटना दिखाने का काम किया। जब वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ प्रदर्शन किए उसके बाद में जाकर पुलिस ने उसे 376 में और 307 में उसको कन्वर्ट किया। और इस इलाज के दौरान अगर उसे सही समय पर सही अस्पताल में अगर इलाज मिल जाता तो आज शायद हमारे बीच में मनीषा वाल्मीकि जिंदा होती।